मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। यरकान के मरीजों के लिए मीठा और मज़ेदार इलाज। यरकान के मरीज को जौ का सत्तू 2 चम्मच खिलाकर ऊपर से गन्ने का रस पिलाया जाए। मरीज सुबह के वक्त गन्ना चूसे, गन्ने का रस दिन में कई मर्तबा पिए, इंशाल्लाह इससे यरकान 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और अच्छी सेहत हासिल होगी। खीरे को देखें तो रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि दिल की धड़कन, जिगर की गर्मी, हाथ पांव की जलन, पेशाब का जल कर आना या बार बार कम मिकदार में खारिज होना, इन सब अवारिज में इलाज के लिए 1 से 4 खीरे रोजाना इस्तेमाल करें, बहुत फायदा होगा। गर्मी की वजह से मुंह पक जाए तो खीरे की झाग चंद बार लगाने से सेहत मिलती है। धुलाई शानदार, बचत जानदार। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन वगैरह साफ करें, बर्तन चमक उठेंगे। सर्द मौसम और गर्मा गर्म मुर्ग की यखनी। अगर सर्दी लग जाए और नज़ला, जुकाम, खांसी या दूसरे अमराज जिस्म को निढ़ाल करने लगें तो मुर्ग की यखनी इस्तेमाल करें। यखनी में 1-2 दाने लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अदरक डालना न भूलें। आंतों की सूजन दूर करने के लिए आसान टोटका। आंतों की सूजन दूर करने के लिए दही का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। खाली पेट दही खाना ज्यादा फायदेमंद है। बवासीर से निजात पाना मुश्किल नहीं। बवासीर के मरीज रोजाना कच्ची मूली खाएं, इससे बवासीर के मर्ज में अफाका होता है। घुटनों के दर्द से परेशान हजरात मुतवज्जे हों। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए खाने के साथ खीरा बतौर सलाद ज़रूर खाएं, इंशाल्लाह इस मर्ज से जल्द ही निजात मिल जाती है। कान दर्द के लिए इंतहाई आसान टोटका। सर्दी लगने, मैल जमने, फिंसियाँ निकलने, चोट लगने से कान में दर्द होने लगे तो अदरक के रस को कपड़े से छानकर नीम गर्म करके 3-4 बूंदें कान में डालें, इससे दर्द ज़रूर ठीक हो जाएगा। अगर दर्द बाकी रहे तो थोड़ी देर बाद दोबारा डालें। अब खाएं अपनी मनपसंद की चीज़ें। बदहजमी की शिकायत होने पर खाने के साथ 1 अदद मूली, नमक और स्याह मिर्च पाउडर छिड़क कर इस्तेमाल करें, बदहजमी की शिकायत दूर हो जाएगी। धूप की शुआओं से सेहत पाएं। धूप कुदरत का बेहतरीन अतिया है। धूप ना सिर्फ हमारे लिए सेहत बख्श है बल्कि जिस्म को भी कई अमराज से महफूज रखती है। धूप में हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी की कमी के बायस होने वाली बीमारी सूखा के इलाज में भी सूरज की रोशनी की अहमियत को माना जाता है। धूप की शुआएं इंसुलिन पर असर अंदाज होकर खून में ग्लूकोज की सतह कम करती हैं, जिससे शुगर का मर्ज कम हो जाता है। आंखों के जरिए से जो सूरज की रोशनी हमारे जिस्म को हासिल होती है, इससे तबीयत हशाश बशाश रहती है, इससे डिप्रेशन खत्म होता है। सूरज की शुआओं से तवानाई हासिल करने का बेहतरीन वक्त सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरज के सामने खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेना है। खसूसन नौजायदा और छोटे बच्चों की नशोनुमा के लिए धूप की शुआएं निहायत जरूरी और मुफीद हैं। बेर खाएं, भूख बढ़ाएं। जिन लोगों को भूख ना लगती हो वो बेर खाएं, बेर खाने से भूख बढ़ जाएगी। 10 मिनट खुली फिजा में सांस लें और लाइलाज अमराज से निजात पाएं। जिस किसी के खून में नुक्स रहता हो, खारिश, फोड़े, फिंसी, चेहरे पर दाने, खून में खराबी वगैरह हो, उसके लिए ये टोटका लाजवाब है। टोटका: जुबान ऊपर के दांतों की तह में लगाकर मुंह बंद करके नाक के नथनों से लंबा सांस लें। सांस कुछ देर अंदर रोकें। जब सांस टूटने लगे तो नथनों से सांस तेजी से खारिज कर दें। रोजाना खुली फिजा में 10 मिनट ये अमल सुबह शाम करें। 10 दिन में हर तरह की खून की खराबी से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर लगातार अमल किया जाए तो जजाम, कोड और खून के कैंसर को भी शिकस्त देना मुश्किल ना होगा। सांस खारिज करते वक्त जुबान नीचे के दांतों की तह में लगा लें, मुंह बंद ही रहेगा।
10 रुपए की दवा से ला इलाज अमराज का शाफई इलाज। सामईन के लिए एक आजमूदा नुस्खा हाजिर है। यह नुस्खा बादी, खूनी और पुरानी बवासीर के लिए बहुत अक्सीर और लाजवाब है, और ऐसे मरीज जिन्हें पेट के कीड़ों ने आजिज कर रखा था, इस नुस्खे के इस्तेमाल से उन्हें बहुत अफाका हुआ। एक साहिब को सुबह उठते ही चेहरे, हाथों और जिस्म पर वर्म हो जाता था, इलाज के बावजूद भी अफाका नहीं हो रहा था। मेरी तशखीस के मुताबिक उसे पेट के यानी आंतों के कीड़े थे, और जब उन्हें मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया तो वर्म आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। नुस्खा कुछ यूं है: कलवंजी 70 ग्राम, सरसों के बीज जिनसे कड़वा तेल निकलता है 100 ग्राम, और नीम की नमूली का अंदरूनी मग्ज 100 ग्राम। तमाम अज्जा कूट पीस कर सफूफ तैयार कर लें और बड़े कैप्सूल भरकर 2 से 1 कैप्सूल दिन में 3 से 4 बार पानी के हमरा खाने से कबल इस्तेमाल करें। बच्चों को इस सफूफ की एक चुटकी दिन में 3 बार पानी के हमरा दें। आबले नहीं पड़ेंगे। भाप से जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाए तो इस पर कच्चा आलू रगड़ें, आबले नहीं पड़ेंगे। फिटनेस का शहनशाह बनने के लिए नाशपाती खाएं। ये निजाम हजम की कारगर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपाती की शक्ल दिल से कदरे मिलती जुलती है, शायद यही वजह है कि इसे दिल को तकवीयत पहुंचाने में भी मुफीद करार दिया गया है। मशरिक और मगरिब के मौलजीन की राय के मुताबिक नाशपाती मेदे, जिगर और दिमाग के लिए मुफीद है। इसे खाने से मेदा मजबूत होता है, खून गाढ़ा और आज़ा को तकवीयत मिलती है और कुव्वते हाजमा में इजाफा होता है। अक्सर माहिरीन के मुताबिक नाशपाती अपनी ठंडी और रसदार तासीर की बदौलत दिमाग को ताजगी पहुंचाने के लिए भी मुफीद है। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है, हाजमा अक्सर औकात खराब रहता है और कभी कभी मसाने में सोजिश का भी एहसास होता है। इन कैफियात में भी नाशपाती का इस्तेमाल मुअस्सर समझा जाता है। दायमी कब्ज और निजामे हाजमा की शिकायत करने वाले अफराद को बिलअमूम ये मशवरा दिया जाता है कि सहपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान नाशपाती काट कर लीमू और हल्का नमक लगा कर मजेदार चाट बनाकर खाई जाए। इस चाट के चंद रोज इस्तेमाल से हाजमा का निजाम दुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा मसाना की गर्मी में भी ये चाट मुफीद साबित होती है। मगरबी ममालिक में जिल्द को तरोताजा और सेहतमंद रखने के लिए नाशपाती को बहुत जबरदस्त टॉनिक ख्याल किया जाता है। खुश्क और रूखी फीकी जिल्द की हामिल खवातीन इसे खास तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।